डोली गैस सिलेंडर वाला। एक गांव में एक गैस एजेंसी हुआ करता था। वहां से रोज गैस सिलेंडर ट्रॉली में डिलीवरी के लिए जाते थे। वहां जो काम करते थे उन्हें ऑटो में ले जाकर घर घर में डिलीवर करना होता था। उस गैस एजेंसी के मालिक का नाम था मल्होत्रा। वो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वहां काम करने वाला मुकेश बहुत लालची और कमीना इंसान था। मल्होत्रा अपने बेटे के जन्मदिन पर उसके पास काम करने वाले लोगों से अलग अलग तरीकों के मुकाबले आयोजन करवाता था और जीतने वाले को पैसे देता था। इस तरह वो साइकिल कॉम्पिटिशन, रनिंग कॉम्पिटिशन, स्विमिंग कॉम्पिटिशन ये सब करवाता था। मुकेश रास्ते के बीच ऑटो को रोककर वहां अपने घर के पास एक और खाली सिलेंडर में गैस चुराता था। वो गैस को जब कस्टमर को देता था तो वे सिलेंडर उठाकर ये वजन क्या कम है भाई कहते तो मुकेश वजन क्या कम है माँ करेक्ट ही तो है, ऐसे बेकार प्रश्न पूछोगे तो गैस डिलीवरी ही नहीं करूँगा ध्यान रहे कहकर धमकाता था। अपने साथ काम करने वाले लोगों में किसी के साथ अगर कोई लड़ाई होती तो वो मल्होत्रा को उनके बारे में चुगली करके काम से निकलवा देता। मल्होत्रा को पता नहीं क्यों मुकेश पर बहुत भरोसा था, इससे कोई भी उससे उलझते नहीं थे। उसी गांव में शुभम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत अच्छा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत कोशिश करने पर भी कहीं पर नौकरी नहीं मिली। इससे परिवार को पालने के लिए काम के लिए गैस एजेंसी आया। वह मल्होत्रा को नमस्कार करके श्रीमान मेरा नाम शुभम है, मैं इसी गांव का हूं। डिग्री पूरी किया लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। दूसरे गांव जाकर काम करने की सोचूं तो माँ पिता को परेशानी हो सकती है, इसलिए आपके पास कोई काम है तो दिलवा दीजिए श्रीमान। यूं कहा मुकेश क्या भाई डिग्री पढ़कर कोई बड़ा तीर मार दिए क्या कि उतना बिल्डअप दे रहे हो, यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है जाओ। यूं कहा तो मल्होत्रा तुम रुको बाबू, यहाँ तुम्हारे पढ़ाई के हिसाब से तो कोई काम नहीं है, लेकिन पूछ रहे हो तो गैस डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करोगे क्या? यूं कहा शुभम श्रीमान आप जो काम दोगे मैं करूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं कहा मल्होत्रा मुकेश बेचारा हमारे गांव का ही है ना, तुम्हारे पास थोड़े दिन रखकर ट्रेनिंग दो, उसके बाद इसे ऑटो देंगे। यूं कहा तब मुकेश को बिल्कुल ये बात हजम नहीं हुई, फिर भी ठीक है श्रीमान ठीक है। यूं कहा उस दिन से मुकेश शुभम के साथ उल्टा सीधा बर्ताव करना शुरू किया। हर बात पर शुभम पर चिल्लाना, मजाक उड़ाना, सबके सामने बेइज्जती करने लगा। ऑटो को एक गली के अंत पर रोककर घर घर जाकर गैस देकर आओ, तुम्हें 5 मिनट का ही टाइम दे रहा हूँ। यूं कहा तब शुभम वो क्या जी हर घर के आगे ही ऑटो रोककर हमें डिलीवरी करना चाहिए ना, यहाँ इतने घर हैं, 5 मिनट में ये कैसे मुमकिन है जी। यूं कहा मुकेश जो कह रहा हूँ वो करो, हर घर के आगे रोकते रहे तो गाड़ी से डीजल कम हो जाएगा, जाओ जरूरत पड़े तो सब एक साथ ले जाओ। यूं कहा तब शुभम 2 सिलेंडर सर पर 2 हाथ में 2-2 पकड़ कर निकल पड़ा। वो देख कर मुकेश दंग रह गया। वो फिर घर घर में डिलीवर कर रहा था तो वो देखकर ए भगवान ये इंसान है या बाहुबली, यूं सोचा। एक दिन उसके घर के आगे गैस दूसरे सिलेंडर में भर रहा था तो शुभम देख रहा था मुकेश रे मैं ऐसे ही गैस चुरा कर बेचता हूँ, ये बात मालिक से कहा तो तुम ही नौकरी से हाथ धो बैठोगे, मैं नहीं समझे कहकर उसे डराया। एक दिन मल्होत्रा के बेटे का जन्मदिन था तो काम करने वाले लोगों से आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मुकाबले का आयोजन करेंगे, हमेशा वो पुराने कॉम्पिटिशन देख देख कर बोर हो रहे हैं ना, इसलिए इस बार जो ज्यादा गैस सिलेंडर उठाकर ले जाएंगे वही विजेता है, 1,00,000 रुपए का बहुमान होगा। यूं कहा प्रतियोगिता के दिन सब भाग लिए। मल्होत्रा 1, 2, 3 कहते ही सब सिलेंडर उठाकर ले जा रहे थे। कुछ लोग ज्यादा सिलेंडर तो कुछ लोग कम सिलेंडर को उठा रहे थे वहाँ, लेकिन शुभम सर पर 2 हाथों में 2-2 पकड़ कर जा रहा था। मुकेश सिलेंडर उठाने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो थकने लगा। आखिरकार प्रतियोगिता में शुभम ही जीता।
मल्होत्रा लाख रुपए का बहुमान शुभम को दे रहा था तो वो लेकर शुभम। श्रीमान आज आपके बेटे का जन्मदिन है तो हम सब के लिए बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो सुनकर आप मुझे नौकरी से निकाल भी दिए तो चलेगा। कहकर मुकेश के बारे में सब बता दिया तो दूसरे लोग जो वहाँ थे, हाँ शुभम जो कह रहा है वो सच है, सच है, ये पुकारने लगे। तब गुस्सा होकर मल्होत्रा मुकेश को पकड़ कर मार कर वहाँ से निकाल दिया। फिर मल्होत्रा शुभम को अपने असिस्टेंट का रोल देकर अच्छे से उसकी देखभाल करने लगा।